एयर इंडिया को बेचने के प्रस्ताव के बाद अब हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस को भी सरकार बेचना चाहती है। सरकार के साथ 49% की हिस्सेदार ONGC भी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी पवन हंस लिमिटेड से सरकारी भागीदारी को पूरी तरह बेचने का प्रस्ताव रखा है। पवन हंस में 51% भागीदारी सरकार की है और 49% भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC की है। सरकार के साथ ONGC ने भी अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर ONGC की हिस्सेदारी बरकरार रहती है तो सरकारी दखल भी बनी रहेगी। अगर वित्त वर्ष 2013 से 2017 तक के पवन हंस लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो मुनाफा वित्त वर्ष 2013 में 11,70,00,000 रुपये का था, जो वित्त वर्ष 2014 में 38,57,00,000 रुपये तक पहुंच गया। इसके बाद ये मुनाफा 38,81,00,000 रुपये, फिर 58,10,00,000 रुपये और वित्त वर्ष 2017 में ये आंकड़ा कई गुना बढ़कर 242,78,00,000 रुपये पर आ गया है। हालांकि ये मुनाफा न पवन हंस के फ्लाइंग आवर्स को बढ़ाकर कमाया गया है, न ही अच्छी सेवाएँ देकर। ये मुनाफा सरकार की कर्ज माफी से हुआ है। सरकार ने अचानक वित्त वर्ष 2017 में पवन हंस का 339,31,00,000 रुपए का कर्ज माफ कर दिया। यह रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये वित्त वर्ष 2013 से 2016 यानी 4 सालों को मिलाकर पवन हंस के कुल मुनाफे के दुगने से भी कहीं ज्यादा है। अगर ये कर्ज माफी नहीं की गई होती तो पवन हंस लगभग 96 करोड़ रुपए के घाटे में होता। पर सरकार पवन हंस को मुनाफे में दिखाकर खरीदारों को आकर्षित करना चाहती है। बहरहाल भारत सरकार ने SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को विनिवेश की पूरी प्रक्रिया के लिए सलाहकार चुना है। इस प्रक्रिया के लिए ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग रूट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।